Ya Allah ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम अपने रोज़मर्रा हिसाब किताब के लिए अक्सर शमसी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं और उसके मुताबिक नया साल शुरू होने वाला है। इस बात से कतई नज़र कि क्या इस्लामी और क्या इस्लामी नहीं है, एक पैगाम आप सबको देना चाहूँगी। ये साल जो अभी गुजरा है, ये हमने बड़े खौफ, इस्तराब, बेचैनी में गुजारा। साल कैसे आया और कैसे चला गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग इसमें बीमार हुए हैं और सख्त अजियत से दो चार हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हो गए। लेकिन बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। इस साल पे नज़र डालें तो कोरोना के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जो लोग अभी तक महफूज हैं वो भी खौफ का शिकार हैं कि कल को पता नहीं क्या होगा। सोचिए, जब ये 2020 शुरू हुआ था तो लोगों ने कितनी मुबारकबादें एक दूसरे को दी थी, कितनी खुशियां मनाई, कितने पटाखे चलाए, कितनी पार्टियां हुई, मगर कोई ये नहीं जानता था कि इसके आगे कितना बड़ा तूफान है जो इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो किसी भी मौके पर आपे से बाहर हो जाना होता है, ये कोई मोमिन की निशानी नहीं है, ये मोमिन का तरीका नहीं होता। चाहे शादी ब्याह हो, ग्रेजुएशन हो, प्रोमोशन हो, जॉब का मिल जाना हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, हमारा ये रवैया नहीं होना चाहिए कि हम खुशी में हदें फैलांगते। अक्सर देखा गया है कि खुशियों के मौके पर हमें याद ही नहीं रहता कि कोई रब है जिसकी हदें हैं, जिनके अंदर हमें रहना है। अक्सर औकात हम वो हदें फैलांग देते हैं, अपने रब को नाराज कर देते हैं। तो इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से डरते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारा आज और हमारा कल जिस हस्ती के हाथ में है, उससे बिगाड़े नहीं, उससे ताल्लुक बना के रखें, उसको अपनी ज़िंदगी में पीछे ना डालें। वही अगर नाराज़ हो गया जिसके हाथ में मेरी और आपकी गर्दन है, तो सोचें हम कितने खतरे में हैं। अगर उसी के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं है, तो सोचिए हम कितनी फाइन लाइन पे चल रहे हैं। जिसके सहारे को थाम के हमने कदम आगे चलाना था, आगे बढ़ना था जिंदगी में, उसी को हमने अगर नाराज किया हुआ तो हम कहाँ खड़े में। लिहाजा इस साल में पहली बात ये याद रखिएगा, आप इसे बाहर ना होइएगा, डर डर के अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के इस साल को शुरू कीजिएगा। दुआएं करके सेहत की, सलामती की, आफियत की, तब ये साल शुरू होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस साल को इस अज़म के साथ शुरू करें कि अल्लाह ताला के साथ मैंने अपने ताल्लुक़ को पहले से ज़्यादा बेहतर करना है, मैंने ये ताल्लुक़ मज़बूत करना है। वो दूरी मेरे और मेरे रब के दरमियान जो आई हुई है, इसको मैंने ख़त्म करना है, करीब होना है। सोचिए, जब ये 2020 शुरू हुआ था तो इसी मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर 3.5 लाख लोग चल फिर रहे थे और आज वो ज़मीन के नीचे हैं। तो कोई पता नहीं चलता इंसान का, आज जो बाजी है वो कल बॉडी हो सकती है। तो अपनी मसरूफियात, जिनको हम उज़र बनाते हैं, उनको कम कीजिए। सब धरा का धरा रह जाएगा, सब प्लानिंग यहीं रह जानी है। अपने इस कुर्बत के सफ़र को शुरू कीजिए। अपने रब से करीब हो जाने में हमारी भलाई है और कभी आप इस सौदे पर पछताएंगे नहीं। ये मेरी गारंटी नहीं है, ये तो आपके रब ने गारंटी दी है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। तो अगर आज आप मेरी ये बात मान लेंगे तो आप
बहुत सुकून और चैन अपने अंदर महसूस करेंगे, जिसकी ज़रूरत आज सभी को है। तो इंशाल्लाह इस अज़म के साथ शुरू कीजिए ये साल कि ये अल्लाह ताला से कुर्बत का साल होगा। और अगर मेरी सलाह मानेंगे तो कुरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जो बंदे को अल्लाह ताला से करीब करती हो। इसलिए कुरान पाक के साथ रिश्ता जोड़िए और मज़बूत कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और आने वाले वक्त में हम सब को आफियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये स्पीकर उस्ताजा नजीहा हाशमी है। इनकी मज़ीद ऑडियो सुनने के लिए लॉग इन करें arrahma.org पर, arrahma.org।